देखिए जी कुछ ऐसी लग दी हमारी फुली लोडेड बाइक, अभी इस पे टॉप बॉक्स लगना है। टॉप हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब, ठीक शुभ बच्चो, दिस इज अदरीस मीर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 100 के जल्दी होने वाले हैं, शुक्रिया। तो आज ही है घर वाला व्लॉग, तो घर वाले व्लॉग भी आपको देखने पड़ेंगे जी। जब तक हम बाहर जाके कोई सीरीज स्टार्ट करेंगे तब तक आपको प्लीज घर वाले व्लॉग्स देखने पड़ेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। तो आज है हमारे बहुत सारे काम जो पेंडिंग है। सबसे पहला काम जो है वो है ये कि हमारे जैरी कैंस आ चुके हैं, ये वाले। तो इन जैरी कैंस को जो है इंस्टॉल करवाना है पहले, और इंस्टॉल करवाने के लिए इनके लिए एक क्लैंप बनवानी पड़ेगी। इनके साथ जो लॉक आता है वो BS6 पे फिट नहीं बैठता, तो उसके लिए क्लैंप बनवानी पड़ती है। तो क्लैंप का डिज़ाइन मैंने बना दिया खुद ही, अब जाके वो मार्केट से बनवाना पड़ेगा। तो सबसे पहला ये काम है और ये निपटा के आते हैं, उसके बाद दूसरे काम भी आज बहुत सारे काम है वो निपटाने हैं। चले जी पहले क्लैंप बनवाते हैं। तो जैरी कैंस इंस्टॉल हो गए हैं इस पे। ये देखिए जी कुछ ऐसी लग दी हमारी फुली लोडेड बाइक, अभी इस पे टॉप बॉक्स लगना है। टॉप बॉक्स बस स्टोरिंग के वक्त और पैनियर स्टोरिंग के वक्त, फिलहाल के लिए ऐसी लगती है। और ये रहे जैरी कैंस जो हमने आज इंस्टॉल करवाए, इधर से भी और इधर से भी। और ये जैरी कैंस मैंने परचेज किए हैं रोमी ऑटोमोबाइल्स डाली, मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप जो भी आपको बाइक से रिलेटेड सामान चाहिए होता है, एसेसरीज चाहिए होती है, वो आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं, वो किसी भी जगह आपको डिलीवर वो करके देंगे। और ये देखे ये अब है फुली लोडेड हमारी, बस टॉप बॉक्स अब पेंडिंग है। टॉप बॉक्स है लेकिन वो टूरिंग के वक्त चढ़ेगा बस। ये हमारी चंपा, देखो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना किसी चीज़ पे तो वो दिखना चाहिए आपको कि नहीं इन्वेस्टमेंट हुआ है। और ये जो बाइक है टूरिंग बाइक, ये इसलिए नहीं है कि मैं ये नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ कर सकूँ, घर से मार्केट जाना है तो वहाँ यूज़ करूँ या ऐसा कुछ। ये बाइक ऐसी है जो कि टूरिंग पर्पज़ के लिए है, और ये बाइक इसलिए लाई है मैंने ताकि मैं इस पर टूरिंग कर सकूँ, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स कर सकूँ, ताकि आपको भी देखने में मज़ा आए। पहले करवाते हैं जी पेट्रोल फिलिंग। जो लास्ट हमने पेट्रोल फिल किया था वो और चलता ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स, तो टैंक हमें देती है 250 किलोमीटर्स फुल टैंक जो हमने लास्ट टाइम करवाई थी। और अब आज दूसरी बार फिर से फिल करवाया है, मतलब दो टैंक फिल हो गए हैं इसमें। अभी मैं जा रहा हूँ माजिद भाई से मिलने, माजिद भाई घर में नहीं है, वो अपने खेत में, आजकल धान की कटाई हो रही है ना, फसल की कटाई हो रही है, तो वो अपने खेत में काम कर रहे हैं। तो बोला था मैंने उसको, आपने देखा यहाँ पे जैसे वहाँ बच्चे खेल रहे थे तो वहाँ पे सब इदरीस भाई बोल रहे थे। आज मैं बहुत टाइम बाद आया ना, उनको बहुत अटैचमेंट है मेरे साथ, तो माजिद से मिलते हैं।
मस्जिद वहाँ आगे उस जगह पे है। मस्जिद की यही बात मुझे अच्छी लगती है कि ये काम में कभी हतक नहीं करता, ये हर कोई काम करता है। और अपने घर में काम करना तो हतक कैसा, पहले ये बताओ कि उतरना कहाँ से। वो रहा आदमी, कैसी को ना अस्सलाम वालेकुम, कैसी को ना सिखा सको ना। बड़ा मेहनती बच्चा है, बहुत तरक्की करेगा। ये काम खत्म करने की कोशिश कर रहा है एक साथ सारा। यहाँ आके मैं अलग ही लेवल में आ जाता हूँ, वो जो सुकून यहाँ पे मिलता है ना वो किसी और जगह नहीं मिलता। यहाँ की हवा, यहाँ का साफ पानी, मतलब सब कुछ डिफरेंट है। ये नज़दीक है बहुत बारामूला टाउन से, लेकिन यहाँ लेवल ही अलग आती है, यहाँ वो वाइब्स ही अलग आती है। और फिर यहाँ पे जब खेती होती है बाकी सारी चीज़ें तो उसका मज़ा ही कुछ अलग आता है। तो बस मस्जिद काम ख़त्म करेगा, फिर हम वापस घर जाएंगे और इंशाल्लाह फिर जाके इस व्लॉग को ख़त्म करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपको घर वाले व्लॉग से ही काम चलाना पड़ेगा, जब तक हम कोई राइड जो है वो प्लान करते हैं उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ना बाइक का नंबर आना है, प्लेट चढ़ना है, RC आनी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आगे का सिस्टम जो है वो शुरू करेंगे। चलो जी हम भी ट्राई करते हैं ये बनाना। मस्जिद भाई, मस्जिद भाई हमें भी ट्राई करने दो। तो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर किसी भी रीजन से आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।